ट्रैवलर दिखा रहे थे अंदर से, ये है अग्रवाल टेम्पो ट्रैवलर, हमने इसमें पैकेज भी किया है। टेम्पो ट्रैवलर का जो आने जाने का खर्चा प्लस पैकेज, रहने का, खाने का, पीने का, वो हम आपको सब बताएंगे। सही ना, ये हमने सीट कवर कर ली। सबसे पहले हम ही है। हमेशा की तरह जय माता दी। एक जरूरी सूचना, हमारा जो चैनल का नाम है वो अब हमने कर दिया है घुमंतु गर्ल्स, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ही घूमते हैं, तो हमने सोचा कि अब इस चैनल का नाम बदल दिया जाए। तो अब नई नई जगह जाएंगे, नई नई जगह चीजें एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। आप हमें इस नए चैनल के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो आइए ले चले आपको कसौल की वादी। ये है टेम्पो ट्रैवलर जो हमने बुक किया है कसौल के लिए, है ना कूल 12 सीटर। हेलो। और ये पागल लड़की, पागल लड़की लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भैया आप ड्राइवर हो? हाँ, तभी तो पूछा मैंने। यात्रा करवाएंगे बढ़िया, मजे से घुमाना भैया। मुझे बढ़िया लग रही है। नाउ वी आर फाइनली मूविंग टू कसौल फ्रॉम दिल्ली। हम पहुंच चुके हैं मुरथल और यहाँ पे देखो ऊंट, और ये बैठेगी ऊंट पे। नहीं, मैं तो नहीं बैठा रही इसको। ये अंकल जी, ऊंट का नाम क्या है? राजा। क्या? राधा? राजा। राजा जी, अरे राजा जी बिल्कुल ही शान, देखो इनकी, देख ही नहीं रहे यहाँ पर, इतना गुस्सा। राजा जी, ये अपना सेल्फी। आई लव मुरथल 70 माइल स्टॉल। क्यों? आई लव मुरथल। और ये छोटे बच्चे पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, और इनके साथ एक फोटो खिंचा रहे हैं, सेम सेम कपड़े पहन के। देखो भाई देखो, अरे भैया धक्का दे रही, कबड्डी खेल रही। अंकल ही मजे लेते हैं यहाँ पर, ये लड़की मजे लेते हैं। आई लव मुरथल। और ये बावली हो चुकी है, तो घनी बावली होगी। तो क्या कर रहा भाई, क्या बात होगी? तेरा देख पंचे खेल रहा तू, तेरा तो पिल्लो है कौनी। अरे भैया मुरथल, सुंदर वादिया हिमाचल की शुरुआत है। ये तो बस शुरुआत है, हमने हिमाचल में एंट्री की है, और ये तो बस एक झलक है। इससे भी और खूबसूरत वादियाँ हमें आगे देखने को मिलेगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए घुमंतु गर्ल्स। हम रुके हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की वादियों में। देखो आप कैसे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। एक्चुअली जिस रोड से हम जा रहे थे, देखो आप देख सकते हैं ट्रक वहाँ पर जैसे फंसे पड़े हैं, वहाँ पे जाम है 3 दिन से रोड टूटने के चक्कर से। जब रोड टूटा पता ही है ना आपको, पहाड़ गिर के इसलिए। और हम यहाँ पर चाय नाश्ता करने बैठे हैं। पागल लड़की, जगह अच्छी है बट हमें पहुंचना है जल्द से जल्द कसौल, ताकि हम जा के आराम कर लें। वी आर टू मच टायर्ड, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा भर गया। बस ये जाम खुल जाए ताकि हम भी जा सकें। होप फॉर बेस्ट। वी हैव रीच्ड कसौल फाइनली।
हम लोग ये देखो पार्वती वैली है साथ में, कितनी तेज वैली है। बारिश की आवाज सुन, आवाज सुन, यू कैन हियर क्या वॉइस है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देख लिया सारे तरह के। ये हम आ गए हैं कसौल और ये पार्वती रिवर, इट्स अमेजिंग। ये नेहा, नेहा कैसा लग रहा है यहाँ पे? ठंडी हवा आ रही है, ठंडी लग रही है। और भी मैं बता नहीं सकती ये कितना खूबसूरत है, बहुत मतलब एडवेंचर लग रहा है। और ये अभी हमारी शुरुआत है, ये देखिए रिवर का फ्लो। ये फूल लाइट पर चम जाएंगे, मेरे को डर लग रहा है। चलो जाने का कैंप बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखिए हमारा स्वागत किया है इस प्यारे से लैब्राडोर ने, तो कितना ही ब्यूटीफुल है, क्यूटी। चलो तो अपने कैंप चल, आजा आजा चल चल लेके चल हमें, आजा आजा चलो। ये है कैंप का रास्ता, कितना मस्त है। और ये पार्वती साथ में भी है, हमारी पार्वती मैया। ये हम अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं और वो लैब्राडोर हमें डायरेक्शंस बता रहा है, देखिए वो आगे आगे चल रहा है, इतना समझदार डॉगी है। ये हमारा रास्ता है हमारे कैंप का, यहाँ पे अब जाके हमें थोड़ी ठंड लगी है, नहीं तो कुछ रास्ते ठंड नहीं लगी। ये देखिए इसको अपना पार्टनर भी मिल गया, मम्मी डर गई मैं। अभी देखते कितना और ऊपर चढ़ना है हमें, फर्स्ट ट्रैक, ट्रैकिंग कर रहे हैं। हम थोड़े से थक गए लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए, इट्स जस्ट शुरुआत। ये हमारी मेहनती नेहा, सारी दुनिया का बोझ ये उठाती है। यहाँ का खूबसूरत ये फाइनली वी हैव रीच्ड, ये हमारे कैंप कसौल कैंप। ओह फक मैन,
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये हमारे कैंप्स ब्यूटीफुल अमेजिंग। ये हमारे साथ के लोग, इन्हें आज बहुत थक गई है। हम पहुंच गए ये सारे कैंप, हमारी ब्रेव कैंप की ब्रेव लड़की धाकड़ ये है हमारी धाकड़ लड़की। मैं फोन भी ना मिलने का। ये हमारे कसौल कैंप्स, ये है कुछ इस तरह से अंदर से। ये दूसरा कैंप है, और ये तीसरा है जो हम लेने वाले। ये है तीसरा, ऐसे अंदर से लाइट दे लो पूजा। Guys, I am ready for the DJ night party and bonfire, and we are so excited for the party. Let's go. Jeez, come on, man. ये देखो हमारा टेंट हाउस कितना अंधेरा हो गया इधर। अभी थोड़ी देर में वो बॉनफायर जलाने वाले हैं जो भी है। और देखो छोटा सा पेड़ और मच्छर और टेंट और हमारी पार्टी होने वाली है। Let's come. I like the place. खाना है 35 किलोमीटर का रास्ता, चने की सब्जी, दाल की सब्जी, खीरा चावल। ये 6 बजे और हम उठ गए हैं। ये खूबसूरत सुबह देखिए। ये मेरा कैसे गई आपकी रात, ठंड भरी रात कंबल में लिपटी हुई। ये खूबसूरत सुबह एक बार जरूर। ये बहुत ही खूबसूरत नजारा है। बट नया थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है। का आई एम गुड। सेकंड डे के लिए रेडी? यस। आज क्या क्या करने वाले हम? अभी तो मणिकरण जाके नहाने वाले हैं। क्या आज हम अब फ्रेश होके अभी मणिकरण जाएंगे और वहीं स्नान करेंगे। वहाँ स्नान करके देन हम घूमेंगे जो भी आसपास की जगह है थोड़ी करके। तो अब हम मणिकरण जाएंगे रात तैयार होकर, फिर हम तोश के लिए निकलेंगे। हेलो। हेलो, और कैसे चल रहा सब? बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ की मॉर्निंग तो खैर अच्छी जा रही है हमारी। हम यहाँ पे रात को तकरीबन 7 बजे करीब आए थे एंड बहुत ज़्यादा थके हुए थे। आप पूरा नज़ारा देखिए पहले तो, कितना सुंदर है। ये कसौल का कैंप एरिया है। ये कैंप का जो नाम बताया एंटी मैंने पूछा था, जालपा कैंप है। हमने ये ट्रिप पहले कैंप से, मतलब जो ट्रिप पहले जो ट्रिप कराते हैं उनसे बुक किया था। हमें उन्होंने 2600 का पैकेज दिया था जिसमें ये कैंप हुआ था। 2 days and 3 2 nights 3 days था जिसमें आपका डिनर एंड ब्रेकफास्ट था, नो लंच।
और उन्होंने बताया था साइट सीन, वैसे साइट सीन के नाम पर तो पागल ही बनाया था, साइट सीन मतलब नियर बाय जो मणिकरण अराउंड डे टू मतलब डेढ़ से दो किलोमीटर है, बट हमने उसमें ऐड करवाया था तोश, देखो तोश भी महाराज हो जाए, और जो यहाँ के ऑनर है उनसे मैंने बात की थी, जालपा कैंप जो बात करें उन्हीं का ऑनर, उन्हीं का है, उन्होंने बताया 700 पर पर्सन हो सकता है आपका अगर आप लेना चाहो, और आप ज़्यादा बंदे हो तो कम भी हो जाएगा, तो ये जो आपको घूमने का नहीं आएगा, बट कैंप का बताया मैंने। अच्छा हाँ, आप पूरा अपना टोटल बताओ पैकेज। हमें मैं अपना पर पर्सन बताऊँ तो मेरे को 5200 पड़ा है, जिसमें 26 मेरा ट्रैवलिंग दिल्ली टू कसौल। ट्रैवलिंग किस में किया आपने? हाँ जी ट्रैवलिंग टेम्पो ट्रैवल में किया है। अच्छा कश्मीरी गेट से कसौल टू कश्मीरी गेट से कश्मीरी गेट। अच्छा, और उसके बाद 2600 का इन्होंने मुझे पैकेज दिया था, इसमें एक कैंप है कसौल का, और हमने टॉर्च लाइट करवाया था तो उसका भी कैंप होगा, तो हम आज नहीं जाएंगे मणिकरण होके, क्योंकि उनके साइड से मुझे पता है क्या है मणिकरण है, मणिकरण के नियर बाय हॉट स्प्रिंग है, वही सब कुछ है, मतलब तो मतलब आपको ये पैकेज थोड़ा सही नहीं लगा? अनुन गाइस बहुत ज़्यादा हम बहुत दुखी हो गए थे, मतलब हम कल 7 बजे पहुँचे, कुछ भी मतलब कल का डे वेस्ट हो गया, पूरा डे वेस्ट था, सब कुछ खराब ही लगा, मजा नहीं आया, मतलब अनऑर्गेनाइज कह सकते हो, बस ये जगह देख कर ये जगह देख के थोड़ा हो रहे हैं यहाँ से अब धीरे धीरे। और उन्होंने एंटी जी जो जिसमें मैं बता रही हूँ जालपा कैंप जिनका है, बहुत टेस्टी खाना बनाया था और उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया, तो सारा हमारा गुस्सा वहीं शांत हो गया था। तो आप तो मैं तो चाहती हूँ आप यहाँ जरूर विजिट करें। हाँ लेकिन आप ट्रिप पहले याद रखना, उससे कभी भी कुछ भी बुक ना करें, मतलब यहाँ जरूर, वो बहुत मैं बहुत सुंदर जगह है, सच में आप जालसाज टाइप का बंदे हैं, वो छोटा सा ट्रैक रास्ता है, एक किलोमीटर अराउंड तो कन्फर्म होगा, बहुत प्यारा रास्ता है, मतलब आते हुए भी मुझे आएगा, लेकिन आप ज़्यादा हैवी लगेज मत लेके आना अगर आप यहाँ आ रहे हो, मैं पहले ये भी। और यहाँ ठंड का कैसा है? ठंड रात को थी, मॉर्निंग में अभी ओके है, नॉर्मल है। चलो बाय, ओके फिर मिलते हैं। क्या ये है हमारा सुबह का नाश्ता, आलू परांठे, क्या टेस्टी लग रही है, अचार, और ये सब के सब हो गए तैयार। मुझे ये नाश्ते के लिए तैयार, सुबह नाश्ता। हेलो गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं मणिकरण जाने के लिए, और फिर हम जाएंगे तोश ट्रैकिंग करेंगे, और आज पूरा दिन आपको दिखाएंगे हम क्या क्या करने वाले हैं, और हम आपको यहाँ के जो हमने कैंप बुक किया है, कैंप का नाम क्या बताया ना, जालपा कैंप, हाँ तो वो ओनर है जिन्होंने इतना टेस्टी खाना बनाया, सुबह भी इतना अच्छा नाश्ता बनाया, परांठे और चाय, मज़ा आ गया, तो अब हम उनको आपको उनसे मिलवाएंगे, तो चलिए लेते हैं। ये है यहाँ की ओनर जिन्होंने हमारा इतना अच्छा ध्यान रखा, गुड्डी देवी, तो आप जब भी यहाँ कसौल आएंगे तो आप इनका ही कैंप, जालपा कैंप क्या नाम है, जालपा कैंप, इनका खाना भी बहुत टेस्टी है, मजा आ गया खाकर। अपना प्राइस बताओ आंटी, आप कितने में करोगे? प्राइस ये देख देख के करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आएंगे आप पर्सन खाएंगे ब्रेकफास्ट डिनर करेंगे तो 700-800 में पर पर्सन पड़ेगा, और मतलब जो फुल सीजन में थोड़ा ज्यादा होता है, अब जैसे 700 में हम पर्सन दे देंगे, मतलब दो टाइम का खाना एक टाइम का स्टे, और खाना सच्ची में ऑसम है इनको, चलो इन्होंने अपने हाथ से बनाया, बहुत टेस्टी बनाया, थैंक यू फिर आएंगे तो हम यही पे बुक करेंगे। चलो कौन सा रिवर है बताइए जरा अपने फ्रेंड्स को, ठंडा पानी, ये है पार्वती रिवर, ये देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा अपने, अब मैं भी जा रही हूँ थोड़ा इधर थोड़ा मस्ती करने के लिए, अब ये देखिए दूसरी घुमंतू गर्ल्स ये भी जाएगी उसमें कूदी मारने, कूदी इन सेंस आराम से, बी केयरफुल, हाथ दे हाथ, ये देखिए यहाँ पर ये दोनों चढ़ गए हैं,
पानी जम रहा है, मजे ला रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर बह रही है पार्वती रिवर। बहुत सुंदर। मैंने ये देखो गीली हो गई, मेरा पैर फिसल गया। ज्यादा मजे ले रही है क्योंकि स्लीपी एरिया है यहाँ पर, ज्यादा लोग, ये नहाने होने की जगह नहीं है, पहले बता दूं मैं, ये अनसेफ है। आप देखो बिल्कुल बहुत ज्यादा स्लिपरी है, बहुत स्लिपरी है। सारे जो जितने भी आप स्टोन देख रहे हो बड़े बड़े, सब स्लिपरी है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम यहाँ बैठे थे, इधर बैठे थे हम, तो बहुत डेंजर है वैसे, अगर आप जरा सा भी गए तो काम खराब। ठीक है, देखो कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ से हमारे कैंप के यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे होगा लगभग ये, कि जो पार्वती रिवर छोटी सी बहती जा रही है। लवली, देखो अब कितना सुंदर सुंदर व्यू आ रहा भाई, रास्ते में मजा ही आ रहा है। देखो प्यारा सा लकड़ का पुल सा बनाया हुआ, ब्रिज सा बनाया हुआ है, कहते ही जहर। ये पार्वती रिवर से तो बिल्कुल प्यार हो रखा है मेरे को। ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम कासोल, रिपोर्टिंग नेहा। देखिए ये दोनों हैं घुमंतू गर्ल्स, ये हमेशा घूमती रहती है और साथ में मुझे भी घुमाती है। आप देखिए मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए थोड़ा जूम करके। रिवर फ्लो चेक हो गया वॉइस तो देखिए जरा मैं आपको थोड़ा पीछे का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए ये पुल कहाँ से स्टार्ट है, देखिए